साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत केस में बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। करीब करीब 3 साल बाद यहां पर मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि सुशांत मामले में जांच का टॉप सीक्रेट लीक हो गया है। जांच की रफ्तार का पता चल चुका है और चार्जशीट की तारीख भी तय होने जा रही, जिसके बाद तो खलबली मच गई है। अचानक हुए इस खुलासे के बाद खलबली मची है और बहुत कुछ आगे होने वाला है। जांच की आंच में भी कई लोग आ रहे हैं, तो बताते हैं आपको क्या है वो टॉप सीक्रेट, क्या है पूरा अपडेट, कौन कौन है जांच की आंच में, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताएं कि आपकी नजर में कौन हो सकता है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड, कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस मुंबई में एक बार फिर से सुर्खियों में है। जब से आदित्य ठाकरे ने खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने, पूछताछ पर रोक लगाने, साथ ही साथ गिरफ्तारी और पूछताछ से पहले उनका पक्ष जान लेने की मांग की है, इसके लिए आदित्य ठाकरे हाई कोर्ट तक चले गए थे, तो उसके बाद से ही खलबली मची हुई है क्योंकि 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुशांत केस में कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन इसी बीच जांच का सीक्रेट लीक हुआ है जिससे आगे की कहानी और तस्वीर और ज्यादा साफ साफ नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुशांत मामले की जांच कर रही सीबीआई और बीच के कुछ महीनों में काफी शांति, लेकिन हाई कोर्ट में आदित्य ठाकरे की याचिका के बाद सीबीआई भी अलर्ट मोड में है। और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के जांच अधिकारियों का मानना है कि आदित्य ठाकरे अपनी ही तरफ से कोर्ट क्यों चले गए, क्यों खुद ये कदम उठा लिया गया जबकि केस में तो उनका नाम ही नहीं था, आरोपियों की लिस्ट में उनका नाम कहीं नहीं है, लिहाजा शक की सुई यहां पर घूमने लगी है। आगे देखिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर आईटी, चुनावी राज्यों में खूब हलचल मचा रहे हैं। और अब तो आगे 2024 का इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद 2024 के दिसंबर में महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे, लिहाजा आदित्य ठाकरे पर यहां हाथ डाला जा सकता है। जी हां, सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच तो कर ही सकती है, साथ ही साथ पूछताछ भी की जा सकती है और मामला यहां पर सीधे सीधे सुशांत सिंह मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ हो सकती है, आदित्य ठाकरे से सवाल जवाब हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साल 2023 में ही इस मामले में पहली चार्जशीट भी फाइल हो सकती है। जी हां, नवंबर और दिसंबर 2 महीने इस साल के भी बचे हैं और खबर है कि इन 2 महीनों में पहली चार्जशीट फाइल की जा सकती है जिसमें शुरुआती जांच की रिपोर्ट हो सकती है। और इससे भी बड़ी बात, कुछ लोगों के नाम हो सकते हैं। जी हां, कुछ लोगों के नाम पहली चार्जशीट में साफ साफ हो सकते हैं जबकि कुछ और लोगों के नाम इसके बाद में जोड़े जा सकते हैं। और यही नहीं, चार्जशीट दाखिल होने के तुरंत बाद ट्रायल भी शुरू हो सकता है और उसके बाद धीरे धीरे इसमें धाराएं आगे जोड़ी जाएंगी, धीरे धीरे सबूत जोड़े जाएंगे, गवाह जोड़े जाएंगे और अगर ऐसा कोई खुलासा होता है तो बाद में नई चार्जशीट में उसका पूरी डिटेल में लिखा जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब सुशांत सिंह राजपूत का केस क्रैक होने के करीब है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे ने जो खुद हाईकोर्ट चले गए उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, या फिर कुछ और हो सकता है मामले में, कुछ और इसमें एंगल आ सकता है, आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।